Hey guys, do not forget to subscribe and hit the bell icon for ongoing updates on this channel. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डी जेन्यू और आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज का टॉपिक जो है बेसिकली हम लोग मेलेडी कैसे बनाते हैं। बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम हो चुका है कि मेलेडी हम लोग कैसे बनाते हैं, और बहुत लोगों के पास जो है कीबोर्ड नहीं रहता या मिडी कीबोर्ड या पियानो या कुछ भी नहीं रहता कि वो लोग मेलेडी कैसे बनाए। मैं ऑलरेडी मेलेडी बनाने का एक ट्यूटोरियल बना चुका हूँ जहाँ से हम लोग कॉर्ड से स्केल से हम लोग मेलेडीज निकाल सकते हैं। लेकिन एक थोड़ा सा इंस्पिरेशन के लिए, मतलब अगर आप लोग ऐसे ही बैठे हो घर पे या कुछ ना कुछ कर रहे हो, तो सिंपल वे में मैं आप लोग को समझाना चाहता हूँ एक सी का स्केल से, मतलब सी मेजर स्केल से हम लोग मेलेडी कैसे निकालते हैं। तो ये शायद बहुत लोगों को हेल्पफुल रहेगा। देखो, मेलेडी जो है एक स्केल के अंदर ही होता है, उसे हमें ढूंढ के निकालना पड़ता है। वो इंटरवल्स में पता होता है। इंटरवल्स मतलब हम लोग अगर एक नोट बजाया उसका टाइमिंग कितना लगता है दूसरा नोट बजने तक, समझ गया। तो अगर कभी कभी हम एक नोट जैसे स रे गा मा पा धा नी सा, तो स रे गा, समझ गया, एक टाइमिंग रहता है। वो टाइमिंग के अंदर होता है मेलेडी। वो आपका क्रिएटिविटी के ऊपर होता है। वो जब तक आप वो क्रिएटिविटी नहीं लेके आएंगे अपने अंदर, थोड़ा मेहनत नहीं करेंगे, मेलेडीज नहीं बनेगा दोस्तों। बहुत लोग बोलते हैं मैं इजीली कैसे मेलेडी बनाऊँ, मेरे से ये नहीं हो रहा, मेरे से वो नहीं हो रहा। मतलब आप लोग थक रहे हो कोशिश करने में, आप कोशिश नहीं कर रहे हो। जब तक आप लोग कोशिश नहीं करेंगे आप कभी भी कुछ आगे बना नहीं पाएंगे। तो कोशिश करना ज़रूरी है। अभी मैं आपको एक सिंपल तरीका दिखाता हूँ, जैसे मैं खुद बैठ के कैसे मैं कभी कभी, मेरे पास भी कीबोर्ड नहीं है अभी, मेरे पास जो कीबोर्ड था मैंने बेच दिया। क्यों? अभी हालत थोड़ा ख़राब है तो खाने पीने के लिए भी हम लोगों को कुछ चाहिए, तो मैंने बेच दिया। वो क्या करें अभी, लेकिन है हमारे पास जो है उससे हम लोग को इस्तेमाल करने का। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आपके पास नॉर्मल एक कंप्यूटर का कीबोर्ड है या लैपटॉप का कीबोर्ड है, उसमें भी हम लोग बैठ के हमारा हाथ बिठाना चाहिए। ठीक है, मेरा भी हाथ बैठा नहीं अभी तक, लेकिन मैं आजकल जो है मेलेडी इसी में से बनाता हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, आज मैं दिखाता हूँ आपको हम लोग मेलेडी कैसे बनाते हैं। तो यह है मेरा स्क्रीन और आप देख सकते हो मेरा छोटा सा एक कंप्यूटर का कीबोर्ड है जो मेरा वायरलेस है, जो मेरे पास पड़ा हुआ था। तो उससे मैं आपको दिखाऊंगा कि आज हम लोग कैसे मेलेडी बनाएंगे। तो देखिए, अभी हमने गाना बनाना शुरू नहीं किया, तो उसके ऊपर क्या है हमको मालूम नहीं है क्या बना रहे हैं, क्या करने वाले। तो अभी ये जो है मेरा FL Studio का प्रोजेक्ट खुला हुआ है, मैं इसमें अभी जो है एक पियानो रोल ले लूँगा, रिप्लेस कर दो उसको, मैं एक पियानो रोल ले लूँगा। पियानो रोल मतलब FL Keys ले लेंगे। ठीक है, अभी आप सुन सकते हो इसमें, मैं अपना बैकग्राउंड म्यूज़िक थोड़ा बंद कर दूँ इसको। अभी हम लोग जरा क्लास में, तो फिर ये देखिए नॉर्मल सी का स्केल है। मतलब मैं अपना हेडफोन ज़रा डालूँ दोस्तों, एक मिनट। तो ये नॉर्मल हमारा सी का स्केल है, आप देख सकते हो, और इसमें जो है हमारा जो है स रे ग म प ध नी स। तो हम लोग सेंटर जो ऑक्टेव है उसको ले रहे हैं अभी बेसिकली, और इसको मैं पियानो रोल में डाल देता हूँ अभी, देख सकते हो आप। और देखिए मेरा कीबोर्ड इधर लगा हुआ है, आप देख रहे हो। मैं दिखाता हूँ आपको हम लोग कैसे थोड़ा इंस्पिरेशन लेंगे इसमें। ठीक है, अभी इसको ज़रा बंद कर देंगे हम लोग। अभी हमारा जो है ऑक्टेव, ये था हमारा सेंटर ऑक्टेव। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा कॉर्ड्स जो है, कॉर्ड्स, अभी आपने कॉर्ड्स नहीं सीखा तो मेरा वीडियोस है नीचे, प्लीज़ मुझे क्वेश्चंस मत पूछिएगा ये कॉर्ड्स कैसे बनाते हैं, स्केल्स कैसे बनाते हैं। मेरा सब वीडियोस कॉर्ड्स और स्केल्स का वीडियोस पीछे वाला वीडियोस में है, आप जा सकते हो मेरे वीडियोस में, प्लेलिस्ट में जा सकते हो, उसमें मिलेगा आपको। अभी मैं ये छोटा, ये नीचे वाला ऑक्टेव ले रहा हूँ, पीछे वाला जो ऑक्टेव है सबसे नीचे जो होता है बेस रहता है। तो अभी नॉर्मल सी का कॉर्ड में मैं बना रहा हूँ। ठीक है, तो सी, अभी मेरा की कौन सा है, सी है, सी में मैं बना रहा हूँ। तो सी मेजर मैं बना रहा हूँ। अभी ये मत पूछने कैसे बनता है, इसका सब ट्यूटोरियल से आप जाके देख सकते हो। बहुत लोग, अभी मैं जब ये वीडियो अपलोड करूँगा सब लोग पूछेंगे सर ये कैसे बना, वो कैसे बना। यार मेरा दोस्तों, मेरे भाई, मेरे बहन, सब वीडियोस है नीचे, आप जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सी मेजर। तो ये अभी हमारा सी मेजर हो गया। मैं थोड़ा सोच रहा हूँ कि थोड़ा इसको थोड़ा नीचे कर दूँ और टेम्पो जो है मैं थोड़ा मध्यम सा, एक अच्छा से एक म्यूज़िक बना दूँ। तो 85 टेम्पो मैंने रख दिया। ठीक है, अब उसके बाद मेरा नेक्स्ट कॉर्ड प्रोग्रेशन जो है, मैं सोच रहा हूँ कि एक मेजर जी मेजर बना दूँ। सो जी बी डी, ये जी बी डी जो है मेरा जी मेजर है। ठीक है, फिर मैंने ये अभी मैंने इन्वर्जन किया हुआ, जी बी डी ऊपर भी जा सकता है लेकिन नहीं, ये मैंने इन्वर्जन किया हुआ, वो भी मैंने समझाया ट्यूटोरियल्स में, आप जाकर चेक कर सकते हो। अभी इसके बाद मैं चाहता हूँ मैं एक डी माइनर कॉर्ड बनाऊँ, डी एफ ए, और वापस मैं मेन सी का जो कॉर्ड है वो लेके आ रहा हूँ, सी ई जी, सी मेजर कॉर्ड।
तो दोस्तों अभी मेरा जो ये कॉर्ड प्रोग्रेशन, मैंने सिंपल से एक कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाया हुआ है सी मेजर के ऊपर, ठीक है। अभी इसको जो है हम लोग खेल के देखते हैं पहले हमारे मेट्रोनोम के साथ। तो मेरा मेट्रोनोम ऑन है, बहुत ही सिंपल सा कॉर्ड प्रोग्रेशन है दोस्तों। इस कॉर्ड प्रोग्रेशन में भी हजारों गाने बने हुए, हजारों गाने बने हुए, आप विश्वास नहीं करेंगे, और हिट गाने। अब हमको इस कॉर्ड प्रोग्रेशन के अंदर से हम लोग कैसे निकालेंगे हमारा मेलोडी जो हमें फील हो। तो अभी आप देख सकते हो मेरा कीबोर्ड इधर लगा हुआ, ठीक है दोस्तों। आपको दिख रहा है कि नहीं मालूम नहीं, बराबर मैंने इसलिए छोटा बनाया हुआ। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको ज़रा बड़ा करके दिखा देता हूँ। देखो ये है मेरा की। अभी इसमें जब मैं खेलूँगा, अभी मुझे देखने का है कि मेरा नोट्स कहाँ पे है। तो अभी पहले तो जो है मैं देखिए, मैं देख रहा हूँ ये मेरा जो है, मैं कान से सुन के देख रहा हूँ, मेरे को हाई नोट चाहिए। मेलेडीज हमेशा भी जो मैं कॉर्ड जो बज रहा है वो इस नोट के एरिया में है, तो मुझे थोड़ा हाई वाला चाहिए। तो मैं ऊपर देखता हूँ तो ये सही है, ये मुझे अच्छा लग रहा है। तो अभी मैं आपको वापस मैं लेके चलता हूँ हमारा जो डेस्कटॉप है, आप देख सकते हो। तो इधर मैं जो है अभी मुझे ढूंढना है, सॉरी अभी मुझे इधर ढूंढना है मेरा जो है, मैं इधर से लेके इधर तक, ये C5 से लेके C6 तक, इसके बीच में मैं मेलोडी बनाना चाहता हूँ, क्योंकि इधर जो है मेरा कॉर्ड चल रहा है। तो आप देखे होंगे कि जब कीबोर्ड प्लेयर खेलते हैं लेफ्ट हैंड से बेस खेलते हैं और राइट हैंड से मेलोडीज खेलते हैं, देखा ना आपने। तो मैं वही करने वाला हूँ अभी। इधर मैं देख रहा हूँ कि मेरा जो स्केल्स है कहाँ पे है। तो ये मेरा सी जो है मेरे क्यू पे आ रहा है, तो मैं एक बार इधर से शुरू करता हूँ। तो स रे ग म प द नी स स नी ध प म ग रे स। तो आप देख सकते हो मेरा इधर बैठ रहा है अभी, ये मेरा जो है सो ये सा से लेके दूसरा सा तक जो है मेरा सात नोट है, ये तो क्यू से लेके आई तक। तो ये इसके बारे में सोचने का जरूरत नहीं है। तो मैं ये मेरा उंगली जो है आप देख सकते हो, मेरे जो उंगली जो है मैं इधर रख रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया मेरा चार उंगली तो ऑलरेडी इधर आ गया, और ये क्यू से लेके ये है चार उंगली मैं इसमें भी रख सकता हूँ। तो मेरा जो है, तो एक मिनट क्यू ये रहा, तो फिर ठीक है। अभी मैं आपको सिस्टम में दिखाता हूँ, ये देखिए अभी इधर देखिए आप, ये देखिए मेरा क्यू से शुरू हुआ, देखा आपने सी र ग म प ध नी स। तो ओ में नहीं है मेरा एक्चुअली, तो मेरे को सिर्फ सात नोट चाहिए। मेरे को कितना उंगली चाहिए, सात उंगली चाहिए। तो मैं ये इसमें से चार उंगली यूज कर लेता हूँ, ठीक है, और इसमें से तीन उंगली सात, इसमें भी ये रहा सा। तो आठवां लास्ट जो है हमारा होम की बोलते हैं हम लोग नेक्स्ट ऑक्टेव के लिए। तो अभी इसमें अगर मैं खेलूंगा स्पेस बार बजा सकता हूं मैं स्पेस बार में, ठीक है। अभी देखिए आप इसको चलने दीजिए, उसके बाद मैं एक एक नोट मेरे फीलिंग के हिसाब से कोई भी नोट में बजाऊंगा ना, देखना अभी सुनना आप। मैंने टैप दबा दिया मेरे दोस्तों, ये ध्यान देना, थोड़ा तकलीफ होगा लेकिन हम लोग कर सकते हैं इसमें, ठीक है। अभी देखते हैं, अभी देखा आपने हमारा मेलोडी कैसे बना। अभी ऐसे ही हम बैठे बैठे प्रैक्टिस करेंगे, कुछ ना कुछ निकल जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा कि हमारे जो मेलोडी जो बना है बहुत ही मैंने जो कोशिश किया था अभी आप लोगों के साथ
थोड़ा सही था, मतलब ये इंस्पिरेशन मिलने के लिए अभी तो इतना तो काफ़ी है। अभी हम लोग ये मेलेडी रिकॉर्ड कैसे करेंगे, ठीक है? हम लोग को अलग अलग मेलेडी मिल सकती, तो आप लोग अलग मेलेडी रिकॉर्ड कर सकते हो। उसके लिए क्या करना चाहिए अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? अभी क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले जो है ये पैटर्न टू पे जाएंगे और उसके जगह पे हम लोग एक और पियानो ले लेते हैं, ठीक है? एक और FL कीज, ठीक है? और ये जो है हम लोग इसको मैं बीच बीच में, मेरा एक आदत है ये, तो मैं इसको पियानो कॉर्ड्स लिख देता हूँ, ठीक है? उसके बाद अभी ये जो है नंबर टू पे डाल के हम लोग लिखेंगे इसको पियानो मेलेडी, तो इसको रीनेम कर देते हैं पियानो मेलेडी, ठीक है जी? पियानो मेलेडी बाद में चेंज करेंगे हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स, वो बात का बात है, अभी देख लेते हैं ये चल रहा है कि नहीं, ठीक है? ये चल रहा है अभी। अभी हम लोग क्या करेंगे इसको, इसको सॉन्ग मोड में डालेंगे ताकि ये इधर से चले, और इसको भी हम लोग जो है रीनेम और पियानो मेलेडी लिख देते हैं, ठीक है? और मैं अभी फ़िलहाल कलर वलर अभी नहीं कर रहा, आप लोग का टाइम भी वेस्ट नहीं करना चाहता मैं, और इधर भी मैं पियानो मेलेडी, क्योंकि मैं इधर डालने वाला हूँ पियानो मेरा मेलेडी जो है पहला पहला वाला, ठीक है? और अभी इसको अभी मैं रिकॉर्ड करने वाला हूँ, ठीक है? और ये पूछेगा कहाँ पर रिकॉर्ड करना है, क्योंकि ये नोट्स है हमारा, तो हम लोग नोट्स एंड ऑटोमेशन में रिकॉर्ड करेंगे, तो ये कहाँ पे जाएगा, हमारे पियानो रोल में रिकॉर्ड होगा, ये ऑडियो नहीं है दोस्तों, तो ये मत दबाना, ये वाला दबाना, ठीक है? अभी हम लोग चलते हैं, तो हमारा कहाँ पे था, क्यू से लेके था आई तक, ठीक है? तो अभी आप ध्यान देना और तैयार रहना, ठीक है? अगर गलती होता तो मुश्किल नहीं, वापस कोशिश करो, तो अभी तैयार हो जाओ, ठीक है? और प्ले दबा सकते हैं, नहीं तो हम स्पेस बार दबा सकते हैं और तैयार हो सकते हैं। तो क्यू से लेके आई तक, तो क्यू से लेके आई तक मैं अपना चारों उंगली लेफ्ट से और चारों उंगली राइट से रख चुका हूँ। अभी मैं मेलेडी जो कॉर्ड चल रहा है उसके हिसाब से मैं अंधाधुन बजाऊंगा, आप देखना। ये हो गया मेरा पहला मेलेडी, सुना आपने? खेल के देखते हैं अभी इसको, पहले रिकॉर्ड ऑफ कर देते हैं। कभी कभी क्या होता है, हमारा जो है टाइमिंग गलत हो जाता है, तो उसको हम लोग एक काम कर सकते हैं, इसको अभी उसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन। ये देखिए अभी हमारा डी जो है सबसे मतलब एक थोड़ा पहले आ गया, तो हम लोग एक काम कर सकते थे इसको कंट्रोल ए मार के, ठीक है? इसमें से हम लोग सेटिंग में जाके इसको जो है क्विक क्वांटाइज बोल के एक ऑप्शन है, नहीं तो कंट्रोल क्यू मार सकते हैं हम लोग। ये देखिए आपको इसका जो है, ये शॉर्टकट सीखना बहुत अच्छी बात है दोस्तों, मेरी तरह मत बनना, मैं हमेशा नाक को जो है सर के पीछे से पकड़ने की कोशिश करता हूँ। आप लोग शॉर्टकट सीखेंगे बहुत अच्छा रहेगा, टाइम बहुत बचेगा। तो ये अभी दबा देंगे हम, देखिए क्या हुआ, टाइम पे हो गया सब कुछ, ठीक है? अभी इसको बंद कर देते हैं और वापस हम लोग सुनते हैं हमारा जो है मेलेडी। बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही मधुर। अभी इसको म्यूट कर देते, ठीक है? अभी हम लोग दूसरा मेलेडी एक और रिकॉर्ड कर देंगे, ठीक है? उसके लिए हम लोग लेंगे पैटर्न थ्री, ठीक है? दूसरा पैटर्न पे, अभी तीसरा पैटर्न हो गया हमारा। पहला पैटर्न पे कौन सा था, कॉर्ड्स था। सेकंड पैटर्न पे मेलेडी वन था। अभी हम दूसरा मेलेडी एक रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं। सेम दोस्तों, नोट्स एंड ऑटोमेशन ध्यान देना, ठीक है? और स्पेस बार पे हम लोग प्ले कर सकते हैं। पहले तैयार हो जाओ, आप उंगली सब रख लो, क्योंकि ये छोटा सा कीबोर्ड है हमारा, तो उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे। 3 4 ये देखिए अभी हमारा पैटर्न थ्री पे कौन सा आ गया, मेलेडी थ्री। तो इसको रीनेम कर देता हूं मैं, मेलेडी टू, सॉरी दोस्तों, मेलेडी टू, ठीक है? ये डाल दिया मेलेडी टू, और इसको भी ज़रा हम लोग रीनेम कर देते हैं, और पियानो मेलेडी, ये तो पियानो क्या, हमको मालूम है पियानो ही है वो, इसको मेलेडी, मेरे को थोड़ा OCD है इसके ऊपर, मेरे को नंबर वंबर सब ये लिखना सब एक इसमें चाहिए, इसलिए मैंने ये किया हुआ है। तो इसको भी रीनेम कर देता हूँ मैं, मेलेडी। बहुत लोग कंप्लेन करेंगे इसमें, यार ये बहुत टाइम वेस्ट कर रहा है ऐसे ऐसे करके, ये सब नाम चेंज करने में मुद्दे पे आओ, लेकिन ठीक है यार, चलता है, कोई लोगों को पेशेंस नहीं होता, क्या करें, अभी हमारे पास तो बहुत ही पेशेंस है, जितना गाली देना दे लो, हम सुनने के लिए तैयार है भाई, आप सीख तो रहे हो, वही चाहिए हमें। अभी हम लोग तीसरा एक और मेलेडी बनाते हैं। ये हो गया हमारा मेलेडी थ्री पैटर्न फोर पे, ठीक है?
तो इसको रिकॉर्ड वापस, नोट्स एंड ऑटोमेशन, उंगलियां आप रख लीजिए अपने जो कीबोर्ड पे और मैं शुरू हो जाता हूँ अभी। 2, 3, 4 ये हो गया हमारा। अब इसको थोड़ा मुझे लग रहा है कि मैंने थोड़ा गलती कर दी, इधर आगे पीछे हो गया, कंट्रोल ए और कंट्रोल क्यू, आपको मालूम है ऑटोमेटिक का कंट्रोल क्यू। देखिए अभी ये बराबर बैठ चुका है टाइमिंग, और देखते हैं सुन के एक बार, तो इसको रिकॉर्ड ऑफ कर दें। ये थोड़ा मुझे लग रहा थोड़ा आगे पीछे जल्दी आ गया, आपको सुनेगा तो आपको पता चलेगा। तो इधर से देखा तो मेरे को लग रहा है ये इधर आना चाहिए, वो हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं। ये है बड़े बड़े मज़े की चीज़ है मीडिया में कि हम लोग अपना नोट्स हम लोग चेंज कर सकते हैं, वापस रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। ऑडियो में ऐसा नहीं होता, ऑडियो रिकॉर्डिंग में तो री रिकॉर्डिंग का ज़रूरत नहीं पड़ता, तो हम लोग अपना ही चेंजेस कर सकते हैं। तो ये हो गया मेरा मेलेडी 2। देखिए दोस्तों मैंने 3 मेलेडी आपको बहुत ही ईजी तरीके से सी मेजर स्केल पर बनाना सिखा दिया। अभी आप पूछ रहे हो कि दूसरे स्केल्स पे कैसे बनाएंगे, उसके लिए तो आपको दोस्तों स्केल्स पहले पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, और अगर स्केल्स याद है तो बहुत आसान रहेगा। लेकिन अभी फ़िलहाल आप सी स्केल में तो बना सकते हो, है कि नहीं। बेसिकली दोस्तों अभी आपने देख लिया होगा कि हमने बहुत ईजी तरीके से कैसे मेलेडी बनाया, ये सी मेजर स्केल पर मैंने बनाया था, और मैं सिर्फ सी स्केल खेल रहा था, मतलब ये सिर्फ वाइट नोट्स था सी में, तो बहुत ही अच्छी तरह के तरीके से बैठ रहा था क्योंकि वो जो रूट नोट है उसका रूट नोट से चल रहा था। अगर आप डी स्केल पे बना रहे हो या माइनर स्केल पे बना रहे हो तो उसका अगर स्केल पे आप खेलेंगे तो आपको इजी रहेगा। तो होपफुली आपको ये थोड़ा फ़ायदा दिया रहेगा सीखने के लिए, इंस्पिरेशन दिया रहेगा बैठ के मेलेडीज़ बनाने के लिए। आप कुछ भी मेलेडीज़ बना सकते हो, ताल पर अगर आप म्यूज़िक कर रहे हो तो वो ताल के हिसाब से आपका मेलेडी भी निकलेगा। और स्पीड बनाइए अपना जो प्रोजेक्ट का, मैंने तो अभी ये 85 BPM पे बनाया, आप शायद 120 पे बनाएंगे तो उसका अलग रहेगा। अभी देखते हैं इससे हम लोग एक गाना बना सकते हैं कि नहीं, ठीक है। अभी इसका आगे मैं बैठ के थोड़ा उंगलबाजी करूँगा, उसके बाद देखते हैं भाई कुछ बनेगा कि नहीं। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल, होपफुली आप लोगों को पसंद आया रहेगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। अभी तक हमारा ऑलमोस्ट 9000 सब्सक्राइबर होने को आ गया, मैं बहुत बहुत खुश हुआ आप लोग का प्यार से, थैंक यू सो मच। और प्रैक्टिस कीजिए और स्टे सेफ, बाहर मत निकलिएगा, और मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। नया सब्सक्राइबर्स सब्सक्राइब कीजिए अगर आप देख रहे हैं तो, फ़ायदे में रहेंगे आप। बाय बाय।